जस्टिन ट्रूडो साहब अपने एक खुद मुख्तार देश के प्रधानमंत्री ने उन्होंने हर किस्म का बयान देने का अधिकार है। उन्होंने देश में एक बंदे का कतल होया उत्थों दी जांच एजेंसियां अपने ढंग नाल जांच करने का पूरा अधिकार है। उस देश का कानून उत्थे लागू होना करते रहन। भारत सरकार जो कुछ करती है, जे कनेडा खुद मुख्तार देश है तो भारत भी खुद मुख्तार देश है, इतों की सरकार अपने ढंग नाल जो भी करे उन्हों करन दा अधिकार है। पर जो कुछ हो रहा, ना कनेडा की सरकार नूं फर्क पैंदा, ना भारत की सरकार नूं फर्क पैंदा, फर्क सानूं पंजाबियों नूं पै रहा। साडा पंजाब इत्थे भारत दे विच वसदा, ते मिनी पंजाब टोरंटो विच वसदा, वैनकूवर विच वसदा, एक मिनी पंजाब इंग्लैंड दे लंडन दे एक पासे साउथ हाल दे इलाके विच वसदा। इदां साडा मिनी पंजाब कई थावां ते वसदा। ये जिन्ने क मिनी पंजाब ने उन्हां सारयां नूं पंजाब दे सैटेलाइट गिणना चाहीदा। उन्हां सारयां दा पंजाब नाल मुख धरती नाल तालमेल चाहीदा। इन्हां सारयां दीआं जड़ां इत्थे, इन्हां दे वड्डे वडेरियां दीआं थावां इत्थे आ, यादां इत्थे आ, पीढ़ियां दी विरासत इत्थे आ, उन्हां दा आउण जाण बणिया रहिणा चाहीदा। मुश्किल ये है कि इस वेले इस घटना तो बाद कनेडा दे प्रधानमंत्री ने बयान देता, भारत दी सरकार कौड़ खा गई जी। इन्होंने कुछ पाबंदियां ला दित्तियां, उन्होंने आख्या चंगा तुसीं ला दिओ, असीं आह कर देंगे, इन्होंने आख्या आह कर देंगे। ज़ाहरा तौर पर दोवां सरकारां दे विच अड़िका पिया, किसी किस्म की कोई गलबात नहीं हो रही, पर ज़ाहरा तौर पर परदे पिछों ये खबरां आउंदियां पईआं कि अमरीका दे विच भारत दा विदेश मंत्री ते कनेडा दी विदेश मंत्री, इन्होंने आपो विच मीटिंगां एक तो वध वार कीतियां होईआं ने, दो वार कीतियां कि दस वार मैनूं नहीं पता, पर चर्चा ये है कि वह मीटिंगां होईआं। अमरीका दी सरकार कहिंदी है जी असीं कनेडा दे पक्ष नूं ते असीं ये समझदे आ कि उह च वजन है, पर असीं इस मसले कोई दखल नहीं दे रहे। वो दखल नहीं दे रहे ना देण, पर एक गल पक्की है भी जदों ये कहिंदे असीं कोई दखल नहीं दे रहे, दखल असल विच उह उदों भी दे रहे हुंदे ने। वो जिहड़ा दखल दे रहे ने, भावें वह बार बार कहण कि असीं दखल नहीं दे रहे, दखल जिहड़ा दे रहे उहदे नाल कनेडा अमरीका च जा के दोवां तरहां दीआं मीटिंगां परदे पिछे जे हुंदियां ते कोई राह निकलण वास्ते हुंदियां ने, अजे तक राह निकलिया नहीं। एक मौके पर भारत की सरकार ने कनेडा नूं कहता कि असी तुहाडे जिहड़े 41 डिप्लोमैट आ उन्हां नूं गैर जरूरी समझदे, उन्हां नूं कढ के लै जाओ जी। इहदे उत्ते कनेडा की सरकार चाहुंदी सी कि कोई राह निकलावे, पर भारत की सरकार का रुख सख्त वेख के तो उन्होंने कढ लिया। तो भारत की सरकार यह कहती है कि नियमों मुताबक जिन्ने साडे डिप्लोमैट उत्थे उन्ने तुहाडे चाहीदे आ, तुहाडे इत्थे वध सी, असी तुहानूं कहता कढ लो। ये पहला तो कई दिन इन्होंने नहीं कढ़े, तो परसों तो कल की विचकारली रात के चुप चुपीते इन्होंने कढ लिया। हुण उहदे तो बाद ना कढ़ते तो कनेडा के डिप्लोमैटा किसी ने गिरफ्तार नहीं सी करना जी। सिर्फ इन्ना कि उन्होंने जी डिप्लोमैटिक कम्यूनिटी खत्म हो जानी सी। जिहड़े डिप्लोमैट के अधिकार होंगे कोई सड़क पर जाते हैं, किसी किस्म की कोई वारदात भी हो जाए, उन्होंने गड्डी तो किसी को सट भी लग जाए, उन्होंने मुकदमा नहीं बन सकता। वो सारिया छोटा खत्म हो जाए सन। उहदा करके उन्होंने फिर अखीर यह फैसला ले लिया, अपने कढ के लै गए ने। हुण वो अपने पक्ष नूं ठीक दसदे ने, भारत सरकार अपना पक्ष लगातार ठीक दसदी आई है, ठीक दस रही है, तो ठीक दसदी रहना जी। सानू इस गल दे विच पैण दी लोड़ नहीं कि कनेडा दी सरकार की कहिंदी है ते भारत दी सरकार की कहिंदी है। वह जानण ते उहनां दे वकील जानण, उहनां दे लीडर जानण, उहनां दे सैकटरी मंत्री ते उहनां दे प्रधानमंत्री दोवां तरहां दे जानण। साडे लई जित्थों मैं तुरिया फिर पहला कंसर्न यह है, पहली साडी चिंता यह है कि कनेडा विच वसदे पंजाबियों का पंजाब नाल नाता जुड़िया रहना चाहिए। जिस दिन यह घटनावां शुरू हुई सन, भारत ते कनेडा दे विच जिहड़ा अड़िका पिया सी, उस दिन मैनूं आस्ट्रेलिया तो पहला फोन आया कि साडा टब्बर तिन्नी थाई खिल रहा, कुड़ी साडे कोल आ, मुंडा उत्थे कनेडा च आ ते कुछ रिश्तेदार इंग्लैंड च आ, असीं दा विआह करन जाणा इंडिया च, जे असीं कुड़ी लेके चल जाईए ते मुंडे वाले उत्थों ना आउण ते फिर इंग्लैंड वाला आ भी जावे तो कोई फर्क नहीं पैंदा, इंग्लैंड वाले तो गैस्ट होने, असीं दसो की करिए। तो मैनूं भी कोई राह नहीं सी सोचदा। मैं हुण भी यह कहिंदा कि दोवें सरकारां नूं हमदर्दी नाल विचार करके कोई ना कोई राह कढ़ना चाहिए। जे राह नहीं निकलता, सरकारां दा कुछ विगड़े ना विगड़े, साडे पंजाबियों का बहुत नुकसान हो रहा। पंजाबियों की अगली पीढ़ी ने जे इत्थे मुड़ मुड़ के आना, जे तालमेल अपने वड्डियां की धरती नाल रखना, अपनी विरासत नाल रखना, तो उहदे वास्ते जरूरी है कि इहो जिहे हालात सुखावें रहन कि उत्थे आउण ते उन्हां नूं किसे किस्म की कुड़त्तन का सामना ना करना पवे। उन्हां चों बहुत सारयां कोल पासपोर्ट आ ते वीजे नहीं, अचानक आउणा पवे ते खड़े पैर वीजे लवाउणे पैणे आ, ते जे अगले पासे वीजे वाला दफ्तर बंद होया, इत्थे कनेडा का बंद होवे जां उत्थे इंडिया का बंद होवे, आउण जाणगे किद्दां। इस करके जिद्दां भी होवे
असी एक जां दूसरी धिर नूं ठीक जां गलत कहण दे बजाए सारे पंजाबी पंजाबीयत दे भले दा ध्यान रखदे होए आपसी सांझ दा ध्यान रखदे होए और पीढ़ियां दी विरासत दा ध्यान रखदे होए असी सारे एक कामना करिए कि दौर लंबा नहीं चलेगा अगे भी कदे कदे इस तरह के दौर देशों विचाले आउंदे आ पर छेती मुक जांदे हुंदे आ। इस वारी ये दौर थोड़ा जिहा ज़्यादा लंबा चल गया। सानू सारयां नूं इस गल की कामना करनी चाहिए जिहड़े धार्मिक पक्षों करदे उन्हां नूं अरदास करनी चाहिए है कि दौर छेती मुके तो एक दूसरे असी मिलन जोगे होइए। इस तों वध होर कुछ नहीं किया जा सकता।